Hello students, welcome in Fast Mind. Today we will discuss chapter 3 NCRT last part, reducing the linear equation in two variable. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहते हैं आपको कि reducing equation होती क्या है. ये कोई भी equation, किसी भी equation को आपको reduce करके दिखाना, आपको reduce करके दिखाना ही reducing इक्वेशन होती है. सपोज कीजिए, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे. ये लीजिए, यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए आपके पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू आपके पास कोई q एक गिवन है. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो देखिए ये थोड़ी टिपिकल इक्वेशन हो जाती है. तो हम इसको दो पार्ट में करते हैं. फर्स्ट हम एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म करते हैं और आफ्टर दैट उसको रीअरेंज करके फिर से हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं. तो सबसे पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एज्यूम्पशन करते हैं. तो एज्यूम लेट ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई. तो आपकी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू पी. ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, जो न्यू इक्वेशन बनी उसको इक्वेशन थर्ड बोलेंगे. एंड जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी a बाई टू प्लस बी बाई थ्री इक्वल टू क्यू. और इसको इसी को यदि हम इसको आगे लेके आए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आपकी हो जाएगी 3a प्लस 2b अपॉन 6 इक्वल टू क्यू. और 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 क्यू. तो देखिएगा यहाँ पे भी ये आपका फोर्थ इक्वेशन आपका क्रिएट हो जाता है. तो इस तरह से आप इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं. अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है. तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, देखिएगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, सबसे पहले एज्यूम्पशन पे चलते हैं रिड्यूसिंग के लिए, रिड्यूसिंग द इक्वेशन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू वन बाई टू एक्स, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, टू एक्स नहीं, एक्स, वो बाई मिस्टेक निकल गया, वन अपॉन एक्स एंड बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू वन बाई वाई. तो देखिएगा यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या होती है, मैं दो पार्ट में इस इक्वेशन को आपको क्लियर करूँगा. यहाँ पर आपका हो जाता है, जब आप लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में. तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री इक्वल टू टू. अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू अपॉन सिक्स इक्वल टू टू. और इसी को आगे लेके चलेंगे और तो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू सिक्स टू जा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा. ये आपका इक्वेशन हो जाएगा थर्ड. अब सिमिलरली इन इक्वेशन टू, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू. तो इक्वेशन टू में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बाई थ्री प्लस बी बाई टू इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 बाई सिक्स. अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b और जब 6 आएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे. नाउ अब हम किसी भी मेथड के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन थ्री और फोर को. तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू कितना, देखिएगा यहाँ से हम रखते हैं थ्री ए है तो थ्री ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व माइनस, सॉरी ये हाँ ठीक है, 12 माइनस 2b
a equal to 12 minus 2b upon 3. Substitute in कौन सी में इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 4 क्या है, यह है आपका 2a, यानी कि 2 इंटू कितना 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस 3b इक्वल टू 13, ये गिवन है. तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से इसमें 1 है तो हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे हो जाएगा क्या 24, 12 टू जा 24 माइनस 2 टू जा 4b और ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 जा 9b इक्वल टू नीचे जो 3 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 39. कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा. जब 39 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4b तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू, 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 माइनस 24 तो 5b इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 तो ये b इक्वल टू हो जाएगा आपका हाउ मच 25 होगा 15 होगा 15 होगा शायद ये होगा 15 तो b इक्वल टू आपका 3 आ गया. अब सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 3 क्या करेंगे, b इक्वल टू 3 रखेंगे, b इक्वल टू 3 इसमें किसी भी इक्वेशन में रख दो, इन इक्वेशन किसमें रख दें 4 में ही रख देते हैं, ये आपका 4 में रख देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3 है तो 2a प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 13 इक्वल टू 13 और आपका क्या आ जाएगा आपका 2a इक्वल टू 13 माइनस 9 और 2a इक्वल टू 13 माइनस कितना हो जाएगा 9 तो हो जाएगा 4. देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 बाई हाउ मच 4 बाई 2 तो हो जाएगा 2. तो a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू आई 3. अब देखिएगा हमने क्या किया था, a की वैल्यू आपकी आई है कितनी आई है वैल्यू जरा देख लेते हैं. ए की वैल्यू है आपकी 2 एंड बी की है 3. ए की वैल्यू 2 ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 आपके पास आ गया. अब एज रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट The value of a and b, तो यहाँ पे क्या था a equal to हमने क्या लिया हुआ था, हमने लिया था 1 upon x and b equal to 1 upon y. तो यहाँ पे therefore यहाँ पे क्या रखेंगे 2 equal to 1 upon x and 3 equal to 1 upon y. Therefore x equal to 1 by 2 and y equal to 1 by 3. These are required solution क्या होंगे, यही होंगे. चलिएगा इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन आपका कोई ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट है. क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट यहाँ पे हमें गिवन है वो हम ले रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपको 6x प्लस क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं इसको रद्द कर लेता हूँ, ये आपके यहाँ इसको छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 ये लेते हैं या 6 ले लेते हैं, 6 लेते हैं. यहाँ पे हो जाएगा आपका, आपको गिवन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy. तो देखिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय xy इन बोथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x
इक्वल टू सिक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट है आपका सिक्स अपॉन, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी टू अपॉन, सिमिलरली सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ सेकेंड हो जाएगी आपकी टू एक्स अपॉन वाई, यानी कि टू अपॉन वाई प्लस, और हो जाएगा आपका फोर अपॉन एक्स, फोर अपॉन एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइव। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग बाई एक्स वाई इन बोथ साइड, इन बोथ साइड यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे दोनों मिल गई है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको फिर वही करना, लेट रिड्यूसिंग फॉर रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड बी इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x लिया है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड वन क्या कहता है, सेकंड वन में हो जाएगा आपका 4a प्लस 4a प्लस 2b इक्वल टू 5, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, क्या क्या, 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b इक्वल टू आपका मिल गया आपको 6, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। और आपका जो मिला है आपको मिल गया कितना, आपको मिल गया 4a प्लस 2b इक्वल टू 5, ये आपका फोर्थ इक्वेशन आपको मिल चुका है जैसे कि हमने देखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3a फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 3a इक्वल टू 6b माइनस 6, या a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो 2b माइनस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूट इन 2, सॉरी ये आपका 4 इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, तो जाएगा 4 2b माइनस 1 प्लस 2b इक्वल टू 5, तो ये जाएगा देखो 4 टू दिया 8, 8b माइनस 4 प्लस 2b इक्वल टू 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हाउ मच, 10b इक्वल टू 9, ये 4 हो जाएगा तो ये जाएगा 9, ठीक है जी। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/10, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 9/10 रख दो, आप किस में रखेंगे, 9/10 सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, इन इक्वेशन 3 में रख दिया, 3 में रखा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b, b की वैल्यू कितनी है 9/10, तो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3, 3 9 27, तो 3a प्लस 20 और इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, 27 by 5 इक्वल टू 6, 5 3 15a प्लस 27 इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 5 30, अब देखिए 15a इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना, ये हो जाएगा 3, या a इक्वल टू 3/15, या 3 5 15 इक्वल टू 1/5। तो देखिएगा यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, री सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 1/5, देयर फॉर बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, देयर फॉर एक्स इक्वल टू 5, आपकी एक वैल्यू आ गई। अब जब उसमें रखेंगे नेक्स्ट में
सिमिलरली आपका क्या जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 बाई 9। तो ये वैल्यू आपकी, दोनों वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू इजिली निकल जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपका जो रिड्यूसिंग इक्वेशन है ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बाय कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।